देश के राज्यों की सियासत में कुछ परिवार नीलकंठ हैं। इन सियासी परिवार में एक बड़ा अध्याय है भतीजों का, जिन्होंने मौका मिलते ही चाचा के चरणों के नीचे से जमीन खींच ली। इसका ताजा उदाहरण है महाराष्ट्र, जहां सत्ता के लिए भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत कर दी। हालांकि चाचा भतीजे की लड़ाई का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी चार ऐसे भतीजे हैं जिन्होंने अपने ही चाचा के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। नंबर एक, बाल ठाकरे राज ठाकरे। महाराष्ट्र में शरद पवार जिस तरह की पारिवारिक लड़ाई से जूझ रहे हैं, वैसे ही लड़ाई एक वक्त ठाकरे परिवार में भी देखने को मिली थी। शिवसेना संस्थापक बाला साहब की राजनीतिक विरासत के वारिस उनके भतीजे राज ठाकरे ही माने जाते थे। कहा जाता है कि बाला ठाकरे के सारे गुण राज ठाकरे में हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब खुद बाला साहब राज ठाकरे के बजाय अपने बेटे उद्धव ठाकरे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपते दिखे तो राज ठाकरे बागी हो गए और साल 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर एमएनएस नाम से अलग पार्टी बना ली। नंबर दो, शिवपाल यादव अखिलेश यादव। यूपी के सबसे बड़े सियासी परिवार में चाचा भतीजे के रास्ते अलग हो चुके हैं। मुलायम सिंह की राजनीति के स्वाभाविक वारिस उनके छोटे भाई शिवपाल यादव माने जाते थे। शिवपाल उस वक्त सियासत में आ गए थे जब अखिलेश यादव का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन जब 2012 के विधानसभा चुनाव में मुलायम ने अखिलेश को फेस बनाया तो शिवपाल भी चौंक गए। पार्टी को बहुमत मिलने पर मुलायम ने शिवपाल को नजरअंदाज कर बेटे को सीएम बना दिया। यही से टकराव की शुरुआत हुई। साल 2017 आते आते दोनों के रास्ते अलग हो गए। नंबर तीन, दुष्यंत चौटाला अभय चौटाला। कुछ ऐसी ही तस्वीर हरियाणा के सबसे बड़े सियासी परिवार यानी चौटाला परिवार में देखने को मिली। यहाँ भी चाचा भतीजे की लड़ाई में भतीजे दुष्यंत चौटाला ने चाचा अभय चौटाला को चित कर दिया। पिछले दिनों हुए चुनाव में दुष्यंत की पार्टी वहाँ मजबूती के साथ उभरी और दुष्यंत डिप्टी सीएम बन गए। 2014 के चुनाव में अजय चौटाला के बड़े बेटे दुष्यंत चौटाला राजनीति में आए तो उनका अपने चाचा अभय के साथ टकराव शुरू हुआ और पार्टी में कब्जे पर लड़ाई शुरू हुई। और नंबर चार, मनप्रीत बादल प्रकाश सिंह बादल। पंजाब की पॉलिटिक्स में भी चाचा भतीजे के बीच लड़ाई देखने को मिल चुकी है। एक वक्त शिरोमणि अकाली दल में प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत बादल का दबदबा हुआ करता था, लेकिन जब बादल अपने बेटे सुखबीर सिंह को तवज्जो देने लगे तो मनप्रीत को ये रास नहीं आया और उन्होंने चाचा के खिलाफ बगावत कर अपनी अलग पार्टी बना ली। इंडिया न्यूज़ बबल की रिपोर्ट।